Hello everyone, welcome to IFS. I am Jualtri Tripathi, Assistant Professor of English Literature. Welcome you all. So as our topic is uh, *Gulliver Travels*. This is a book by Jonathan Swift. He is a neoclassical is satirist author, novelist. You can say, and uh, he is known he is known for his book *Gulliver Travels*. Uh, every student read this book in class tenth or class. Uh, क्लास टेंथ और नाइन्थ बिकॉज इट इज़ प्रिस्क्राइब इन नाइन्थ एंड टेंथ ओके सो आज हम उसकी समरी पढ़ने वाले हैं गुलीवर ट्रेवल्स की समरी को पढ़ने वाले हैं तो देखिए तो गुलीवर ट्रेवल जो किताब है वो जॉनसन स्विफ्ट के द्वारा लिखा गया ठीक है जॉनसन स्विफ्ट के द्वारा लिखा गया लिखा कब गया तो सत्रह से सत्रह के बीच में लिखा गया लेकिन पब्लिश कब हुआ तो सत्रह सौ छब्बीस में हुआ ये लिखा डब्लिन में गया था और इसका जेंरल क्या है सटायर मैंने आपको बताया जॉनसन स्विफ्ट सटैरिस सटेरिस्ट थे वो बहुत अच्छा अच्छा सटायर लिखते थे जॉनसन स्विफ्ट जो थे वो बहुत अच्छा अच्छा सटायर लिखते थे ऐसा सटायर लिखते थे कि उसका असर होता था लोगों पे उसका असर होता था ठीक है उनका एक इसक बिके स्टाफ करके जो सूडो नेम यूज़ करते थे वो सटायर के लिए आ, वो सबसे फेमस है उनका ठीक है हाँ जी तो इसमें जो प्रोटागोनिस्ट है गुलीवर ट्रेवल्स में उसका नाम है लेम्युल गुलीवर क्या नाम है लेम्युल गुलीवर तो मैं बता दूं कि मैं आज इसका ये बुक जो है चार पार्ट में आया था ठीक है ये गुलीवर लेम्युल गुलीवर जो है आ, वो अपने वोयज को मतलब अपने एडवेंचर को जहाँ जहाँ उस ये एक पेशे से एक सर्जन था ठीक है पेशे से एक सर्जन था लेकिन इसको अपने आ, हम लोग कह सकते हैं कि इसको अपने पोस्ट से अपने मतलब अपने काम से लगाव नहीं था ठीक है इसको उसमें मजा नहीं आता था बहुत इसको बोरियत फील होता था ही लव्स द एडवेंचर ऑफ सीप ही लव्स द एडवेंचर ऑफ सीप ओके तो और ये जो लिमुल गुलीवर था इसके चार एडवेंचर को चार जर्नी को जहां जहाँ गया है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ठीक है सबसे पहले हम लोग उसको डिस्कस करने वाले हैं तो आज मैं पहला जर्नी जो ये किया था अपना गुलीवर ट्रैवल्स कहाँ गया था तो लिलीपूट पे अच्छा इसके बारे में गुलीवर ट्रेवल्स के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूँ जो भी लोग अगर नहीं जानते हो गुलीवर ट्रेवल्स के बारे में तो मैं एक एग्जाम्पल दूंगा जिससे हमको उम्मीद है कि आप में से सारे लोग समझ जाएंगे इस बात को कैसे तो आपने अगर बॉलीवुड में एक मूवी देखी होगी जन्ंतरम मनंतरम जावेद जाफरी की जिसमें वो बहुत लंबा रहता है क्रिएचर और वो एक ऐसे जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे सारे छोटे छोटे लोग रहते हैं उसके हाइट से और वो बहुत लंबा रहता है अगर आपने जावेद जाफरी की वो मूवी देखी हो तो तो वन ऑफ द इसी बुक से रेफरेंस है उसका ठीक है मतलब ये इसी बुक पे बेस्ड है वो नॉवल सॉरी वो मूवी इसी नावल पे बेस्ड है तो आप देख सकते हो वो मूवी रेफरेंस के लिए ठीक है हाँ जी तो अब हम लोग चलते हैं वो कहाँ कहाँ जाता है पहले वो बता देता हूँ मैं उसके बाद मैं लिलीपुट वाला जो जर्नी था इसका वो डिस्कस करूंगा ठीक है तो पहले ये लिलीपुट में जाता है जो जगह है लिलीपुट वहां जाता है यहां जो है वो किस ऐसे लोगों से मिलता है तो सिक्स इंच हाइट वाले पीपल से मिलता है ये। इंच हाइट वाले पीपल से मिलता है जो कि हम लोग कह सकते हैं पंद्रह सेंटीमीटर से भी कम आ, जो पीपल होते हैं उनसे मिलता है ठीक है और फिर सेकेंड इसका बोएस जो होता है एडवेंचर ये जो जाता है एडवेंचर शिप से जो एडवेंचर पे जाता है उसका नाम रहता है उस जगह का नाम रहता है ब्रो ब्रॉप ठीक है ये दूसरा जगह का नाम है ठीक है फिर तीसरा जो जगह है उसका क्या नाम है तो लैपुटा ये लैपुटा भी जाता है ठीक है फिर चौथा अच्छा ये ब्रॉब ये जो जगह जाता है एक सेकंड में थोड़ा थोड़ा इन सब का ओवरव्यू भी दे दूं आज मैं डिस्कस तो इसको करूंगा लेकिन आपको ओवरव्यू दे देता हूं ठीक है तो इस जगह पे जो जाता है ब्रॉबिडी नायक से जो जाता है तो वहाँ पे ये पीपुल ऑफ जियान्ट हाइट ठीक है इसको जियान्ट हाइट के लोग मिलते हैं बड़े बड़े हाइट के ठीक है फिर लैपुटा में जब जाता है लैपुटा में जब जाता है तो वहाँ इसको ऐसे फ्लाइंग आइलैंड मिलता है एक ठीक है फ्लाइंग आइलैंड और वहाँ पे इसको वैसे लोग मिलते हैं जो इंटरेस्ट रखते हैं म्यूजिक और मैथमेटिक्स में पीपुल थ इंटरेस्ट इन म्यूजिक एंड मैथमेटिक्स जो अपने थॉट में खोए हुए रहते हैं ठीक है म्यूजिक एंड मैथमेटिक्स ठीक है तो ये जब जाता है ये लेपुटा में ठीक है और लेपुटा से फिर ये और भी जगह जाता है लेपुटा में वो मैं जब लेपुटा पढ़ाऊंगा तब डिस्कस करूंगा ठीक है और ये चौथा लेपुटा का कैपिटल जाता है मतलब मैं वो डिस्कस करूंगा आपसे जब लेपुटा वाला पढ़ाऊंगा तो ठीक है तो चौथा जो जगह है इसका नाम है हो हो ठीक है तो ये जो जगह है यहाँ पे जब जाता है तो इसको पता चलता है कि यहाँ पे हॉर्सेज मास्टर्स हैं मतलब मास्टर का, का काम हॉर्स कर रहा है और आदमी जो है जिसको याहुज़ बोलते हैं याहुज़ करके जो है वो सर्वेंट है ये याहूस जो है वो लाइक ह्यूमन बींग्स लाइक के जैसे हैं ठीक है और ये सर्वेंट का, का काम कर रहा है और हॉर्स यहाँ पे मास्टर है तो ये चार जगह वो जाता है ठीक है अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लिलीपुट लिलीपुट वाले जो जगह पे जाता है तो उसके साथ क्या क्या होता है वो डिस्कस करने वाले हैं ठीक है वो चलिए पार्ट वन जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किताब का पार्ट वन बोएज टू लिलीपुट इसमें क्या होता है तो ये अपना सर सर्जन सर्जन जॉब को छोड़ के सिक्सटीन में भोएज स्टार्ट करता है कहाँ पे एक एक सिप ब्रेक होया हुआ रहता है ठीक है जिसमें ये इकलौता आदमी बचता है किनारे के में ठीक है ये ले बचता है ठीक है और जब ये उसका नींद खुलता है तो ये देखता है कि ये एक ऐसे जगह पे जहाँ पे इसको चारों तरफ से चैन से बांध दिया गया है लोगों के द्वारा और जो लोग इसको बांध के खड़े हैं वो छः वो मात्र पंद्रह सेंटीमीटर के लोग हैं ठीक है मात्र छः इंच के मतलब पंद्रह सेंटीमीटर के लोग हैं और वो लोग उसको मारने का पूरा शूटिंग करने के लिए मतलब वो लोग हथियार लिए हुए हैं और इसको मारने का ये सोच रहे हैं कि ये कौन आ गया है मतलब कौन इतना बड़ा आदमी कैसे आ गया है इस तरह का कुछ सोच रहे हैं ठीक है और उसको वो किंग के पास ले जाते हैं लेकिन किंग जब देखता है कि ये मतलब आ, कोई ऐसा आदमी नहीं है जो हार्म पहुँचा रहे तो किंग नेदर किंग और ना ही किंग उसका भाषा समझता है ठीक है ना ही गुलीवर उसका भाषा समझता है ठीक है नेदर किंग नॉर गुलीवर अंडरस्टूड देयर लैंग्वेज ठीक है और फिर कुछ दिन में गुलीवर लैंग्वेज सीख जाता है जब लैंग्वेज सीखता है तो किंग को भी पता चलता है कि ये हार्मफुल क्रिएचर नहीं है तो फिर इसको चैन से मुक्त कर दिया जाता है गुलीवर को चैन से मुक्त किया जाता है फिर गुलीवर को नाम दिया जाता है क्या नाम दिया जाता है क्वीनवस ठीक है इसका मतलब होता है कि मैन माउंटेन इसके हाइट के कारण ये नाम दिया जाता है तो इसके गुड बिहेवियर के कारण किंग इसको रिलीज कर देता है सिटी में घूमने के चारों तरफ घूमने के लिए चैन से ठीक है और किंग इससे फिर इसके बाद क्या होता है कि ये जो लिलीपुट था उसका एक लड़ाई चलता था एक जगह से लिलीपुट जो था उसका एक जगह से लड़ाई चलता था उसका नाम था ब्लेव ठीक ठीक है? है? स्पेलिंग देख लोगे आप लोग, तो ये नाम था तो यहाँ से लड़ाई चलता है उसको, उसका जो जगह है उससे लड़ाई चलता है तो ये जो गुलीवर ये गुलीवर जो है उसका भी लड़ाई मतलब उस वो इन लोगों को बचाता है उनके अटैक से ग्लिफुशो लोग जो अटैक कर रहे हैं उनसे इनको बचाता है लिलीपुटियंस को ठीक है और वो इन्वेड करते रहते हैं इसके अंदर आठ सौ मीटर अंदर आगे हुए रहते हैं इसके लिलीपुट के तो उसको बचाता है गुलीवर तो गुलीवर जब बचाता है तो किंग बहुत खुश होता है इससे ठीक है और वो चाहता है वो क्या चाहता है ब्लूफिशो से ये सॉरी गुलीवर से क्या चाहता है वो कि ब्लूफिशो पे अटैक करके ब्लूफिशो पे राज मतलब किंग का राज हो जाए लिलीपुट का किंग हैप्पी होके वो डिमांड करता है गुलीवर से कि बिलीफसियन किंग जो है बिलिफुसियन किंग जो है उसका अंपायर कंप्लीटली इसका हो जाए ठीक है वो मतलब अब अपना पहले तो वो उसका हेल्प किया ये लोग इन्वेट किया था ये लोग इन्वेट किया था तो इसको बचाया गुलीवर ठीक है गुलीवर बचाया लेकिन अब लिलीपुट किंग ज़्यादा लालच कर रहा है और वो चाहता है कि आ, ये इसके साथ हो जाए ठीक है फिर क्या होता है तो गुलीवर डिनाई कर देता है गुलीवर मना कर देता है एंड किंग बिकम कोल्ड टू गुलीवर आ, उसके बाद किंग जो है थोड़ा सा नाराज हो जाता है इसके आ, इससे अब थोड़ा सा उस तरह से बात नहीं करता जैसे पहले कर रहा होता है ठीक है फिर एक दिन क्या होता है कि फायर ब्रोकआउट इन फायर ब्रोकआउट इन आउट इन, तो इन क्वींस पैलेस ठीक है क्वींस का जो पैलेस होता है उसमें फायर ब्रोकआउट होता है और इतना वाटर नहीं अवेलेबल होता है कि उस फायर को बुझाया जाए तो गुलीवर जो है वो अपने मतलब वहाँ पर पेशाब कर देता है ठीक है और वो जब वो टॉयलेट करता है तो अपने यूरिन से वो क्वीन का पैलेस का जो फायर लगा था वो बुझा देता है ठीक है उसको बुझा वो बुझा देता है लेकिन क्वीन के पैलेस पे यूरिन करना भी मतलब गुनाह है ठीक है तो जिसके कारण ये यूरिनेटिंग के कारण वो फायर तो बुझ जाता है क्योंकि फायर बुझ जाता है लेकिन गुलीवर का एक इनेमी था ठीक है यूरिनेशन इस प्लेस में मना था परविडेंट था लेकिन गुलीवर का एक एनिमी था जिसका नाम था फिल्म मैप फिल्म मैप ये इनेमी था ये गुलीवर का इनेमी था और अब ये सिक्रेट इनेमी है ठीक है ये इसको पता गुलीवर को नहीं पता है कि ये इनेमी है इसका ठीक है वो सिक्रेट इनेमी है वो गुलीवर से जलता है ठीक है तो वो यूरिनेट जो करता है वॉल पे तो वो जाके राजा को मतलब चार्जेज लगाता है इस पर कि ये 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 काम किया है यूरिनेट कर दिया रिफ्यूज टू सीज रिमेनिंग सिप ऑफ ब्लिफिसो ब्लिफिसा का रिमेनिंग जो सिप था उसको पकड़ने से ये मना कर दिया आपको और फिर सीक्रेट मतलब वहाँ पे जाके एक मीटिंग भी किया है वो जो बिलूफिसो किंग के साथ मीटिंग भी किया है जहाँ पे ये पीस थ्रीटी साइन किया है ऐसा सीक्रेट इन्हें भी जो है वो किंग को समझाता है और किंग जो कि इससे अब उखड़ा उखड़ा रहता है तो वो इसको डेथ का सज़ा सुना देता है ठीक है वो उसको डेथ इम्पिचमेंट दे देता है मतलब देथ का सजा सुना देता है और स्लीप अवे और ये क्या करता है इम्पिचमेंट से बचने देस से बचने के लिए क्या करता है आ, वो भाग जाता है वहाँ से ठीक है वो कहाँ चल जाता है बिल्फूसर चल जाता है क्योंकि वहाँ पे अब लोग लिलीपुट आएगा नहीं तो वहाँ चल जाता है और वहाँ पे किंग इसको वेलकम करता है क्योंकि वो जानता है कि किंग ये ये अटैक नहीं किया था ये पीस ट्रिटी मतलब पीस करवाया था मतलब ये जबरदस्ती किसी पर अटैक नहीं किया था जिस कारण से उसको लोग बोर्ड देते हैं वहाँ पर और ऑक्स देते हैं और स्लीप भी देते हैं और कुछ दिन फूड भी सर्व करते हैं इसको वो इस पे और सत्रह सौ एक में सोलह सौ निन्यानवे में निकला था सिक्सटीन सिक्सटी नाइन में निकला था सॉरी सोलह सौ निन्यानवे में सिक्सटीन नाइन्टी नाइन में निकला था और सत्रह सौ एक में ये अपने घर पहुँच जाता है तो ये था हमारा दिलीप पुट का कहानी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करें और मैं इसका जो चार पार्ट और, और तीन पार्ट रह गया वो भी बताऊँगा ठीक है और ये हमारा यू जी सी नेट का टेस्ट पेपर जो है मॉक टेस्ट आप लगा सकते हो सिर्फ नाइनटी नाइन में ये मिल रहा है आपको आई एफ एस थर्टी कोड लगाना है और इसमें आपको क्या क्या मिलेगा वंस सीना लाइफ टाइम डील है ठीक है क्योंकि इसमें आपको टेस्ट डिस्कशन मिलेगा डिटेल में और मॉक टेस्ट मिलेगा और यूनिट वाइज भी टेस्ट मिलेगा आपको मतलब हंड्रेड क्वेश्चन एक यूनिट से मतलब थाउजेंड क्वेश्चन हो गए हमारे इंग्लिश में टेन यूनिट है तो थाउजेंड क्वेश्चन हो गए सोच लो इतना कुछ मिल रहा है सिर्फ निन्यानवे रुपये में तो ये आप जल्दी से जल्दी अवेल कर सकते हैं आई एफ एस थर्टी कोड लगाना ना भूलें आपको निन्यानवे में मिलेगा ठीक है हाँ जी और ये हमारा यू जी सी नेट के लिए जो भी दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं छः दिसंबर को एग्ज़ाम है आप ऐप डाउनलोड करके सब कुछ प्रीवियस ईयर पेपर पेपर एनालिसिस कर सकते हो और जितना चीज़ एग्ज़ाम के बारे में जान सकते हो सब कुछ जान सकते हो ठीक है ये आई एफ एस आई एफ एस जो है प्ले स्टोर पर मिल जाएगा आपको ठीक है फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हो इसमें अपना नंबर डालोगे ओ टी पी आएगा लॉग इन कर सकते हो ठीक है थैंक यू अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें और अगले पार्ट के बारे में बताएं कि अगर आपको अगला पार्ट चाहिए तो मैं आपको अगला पार्ट बना के दूँगा ठीक है Okay, thank you.